बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब मेरे बहन भाई कैसे हो आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे और ख़ुशियों में माला मार रखे और दुखों से महफूज रखे, आमीन। तो आज गाइस 10वीं सहरी आपको मुबारक हो। आज 10वां रोज़ा है, तो आज पहला अशरे का आखिरी रोज़ा है, तो इंशाल्लाह कल दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा। तो या अल्लाह पाक, जो पहला अशरा गुज़रा हमारा, उसमें हमारी गलतियां माफ़ फरमाना, उसमें हमारी टूटी फूटी इबादत कबूल व मंजूर फरमाना, हर की जायज़ ख्वाहिशें पूरी करना। तो अब बनाते हैं 10वीं सहरी। तो मैं अब सबका सालन डाल के रख लूँ, साफ करते हैं अल्लाह पाक का जिक्र। रोशन कर मेरे सीने नू, मौला रोशन कर मेरे सीने नू, रब ले चल मैनू शहर मदीने नू, रब ले चल मैनू शहर मदीने नू, उठे वेखा मैं सोने दे नगीने नू, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद सरवर सल्ले अला, मुहम्मद सरवर सल्ले अला। इन्ना अखियां दी आस मदीना है, इस दिल दी समदीना है, इन्ना अखियां आस मदीना है, इस दिल दी प्यास मदीना है, रब ले चल शहर मदीने नू, पढ़ो इलाहा इल्लल्लाह, या मुहम्मद पाक रसूल अल्लाह। तो गाइस सालन मैंने सबका डाल के रख लिया, तो अब हम खाते हैं सारे। तो आप मिल के मांग लें दुआ, या अल्लाह पाक तुहार पे अपनी करम नवाजी कर दे, या अल्लाह पाक जो दे अशरा गुजर गया इसकी रहमतों से हमें सबको नवाज दे, सब बीमारों को शफा दे दे, या अल्लाह पाक हर एक दे वालदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, या अल्लाह जिनके माँ बाप में फौत हो गए हैं उनकी बख्शिश ता फरमा, या अल्लाह पाक जिनके जिंदा हैं उनको तंदुरुस्ती ता फरमा, या अल्लाह पाक उनके बच्चों को खिदमत वाला बना दे, या अल्लाह पाक तो हर दिन आसानियाँ पैदा कर दे, मुश्किल आसान कर दे, या अल्लाह पाक तो हमारे फलस्तीन भाइयों पे रहम फरमा, या अल्लाह उनकी उनको आसानियाँ पैदा कर दे, मुश्किल आसान कर दे, या अल्लाह जो जो की बीमार है, जो जो जिसकी भी दिल की कोई जायज़ ख्वाहिश है सबकी पूरी कर दे, या अल्लाह पाक आगे आप ईद की तैयारियां शुरू हैं, तो अल्लाह पाक हर को ईद की खुशियां नसीब फरमाना, या अल्लाह हर परदेसी को भी ईद की खुशियां नसीब फरमाना, हर परदेसी को घर आने का मौका देना। नहीं तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग, ज़िंदगी रही तो अगले ब्लॉग के साथ 11वें रोज के साथ फिर मिलेंगे। जब तक अपना रखना ख्याल, मुझे रखना दुआओं में याद। ओके, अल्लाह हाफिज़।